मास इंटेंशंस, धन्यवाद का मिसा, सेंट विंसेंट डी पॉल सोसाइटी के सभी सदस्य के ओर से, धन्यवाद का मिसा जॉन चेंचेरिल के परिवार के ओर से, अंतोनी पैट्सी डेलगाडो की आत्मशांति के लिए बाबुश डेलगाडो के परिवार के ओर से, अरुण साइमन की आत्मशांति के लिए अतुल साइमन एवं जैन मेरी साइमन की आत्मशांति के लिए। अभी हम सिल्वानो रॉड्रिक्स से इंट्रोडक्शन सुनेंगे। On this day, the 27th of September, the feast of St. Vincent de Paul is celebrated world over. Though in a limited way, we Vincentians here at St. Pius also wish to celebrate the feast day and the life of the Father of the Poor, as St. Vincent de Paul is universally known. Our fellow Vincentians in the other conferences of Nagpur, Pune, Mumbai, Goa, Chennai, and other far-flung cities and towns join us in this celebration. We do our best to emulate Saint Vincent de Paul, a man of compassion and charity, in his passionate dedication to the service of the poor. I humbly submit that we are nowhere close, but we do try. With the cooperation and encouragement from our spiritual director and parish priest, Father Sebastiraj, and other senior members of our conference, our youth members took the initiative to plan and prepare the liturgy for today. Their artistic skills and God-given talents are on display for all to see. With a link you will be provided, you will be able to view a short skit at your leisure in the near future. On this joyous day, we are honored to have in our midst our Vicar General, Reverend Father Jerome Pinto. Credited with resurrecting and infusing new life into the Society of St. Vincent de Paul in Nagpur in 2015, after being dormant for a greater part of 12 years, it is only fitting that Father Jerome be invited to grace the occasion. He graciously consented. Our joy was complete when he agreed to be the main celebrant too. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Priya bhaiyo aur behno, yeh missa puja mai vishesh roop se St. Pius the 10th Church के संत विंसेंट डी पॉल के सदस्यों के मतलबों के लिए चढ़ा रहा हूँ, और इसके साथ साथ हमारे डायसिस के सभी कॉन्फ्रेंसेस के सदस्य और जिन लोग इस कॉन्फ्रेंस हमारे डायसिस के से संबंधित है, यहाँ के सभी सदस्यों के लिए विशेष प्रार्थना करूंगा कि जो कार्य उन लोग कर रहे हैं, जिसके लिए उन लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया है,
वे इस रास्ते में भटक न जाए, हमेशा यीशु क्रिस्त के साथ मिलकर जो कार्य उसने किया था उसको आधुनिक दुनिया में वे चालू रखें। इन मतलबों को सामने रखते हुए जो यहाँ उपस्थित है, हम सब मिलकर इस मिस्सा पूजा में अच्छी तरह से भाग लेने के लिए हमारे पापों का याद करेंगे और दयालु ईश्वर से किए गए सभी पापों के लिए क्षमा मांगेंगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। God in the high.
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तू हम सबके प्रति असीम क्षमा और दया दिखाकर अपनी अपार शक्ति प्रकट करता है। हम पर अपनी कृपा की निरंतर वर्षा कर, जिससे हम अनंत जीवन के लिए अत्यंत उत्सुक बने रहे और स्वर्ग राज्य का आनंद प्राप्त कर सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज करते हैं। एजिकल इस बात पर बल देता है कि ईश्वर अन्याय नहीं करता। यदि कोई वर्षों तक धर्मार्थ पर चलने के बाद पाप करने लगता है तो उसे दंड दिया जाएगा, किंतु ईश्वर दयालु भी है। यदि कोई वर्षों तक कुर्मार्ग पर चलने के बाद पश्चाताप करता है तो ईश्वर उसे क्षमा प्रदान करेगा। नबी एजिकल का ग्रंथ। यदि पापी अपना पापमय जीवन त्याग देता है तो वह अवश्य जीवित रहेगा। प्रभु ने मुझसे यह कहा, तुम लोग कहते हो कि प्रभु अन्याय करता है। हे इसराइलियों, मेरी बात सुनो, मैं अन्याय नहीं करता, तुम लोग अवश्य अन्याय करते हो। यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता और मर जाता है तो वह अपने पापों के कारण मर जाता है। और यदि कोई पापी अपना पापमय जीवन त्याग कर धार्मिकता और पियाय के पथ पर चलने लगता है तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। यदि उसने अपने पुराने पापों को छोड़ देने का निश्चय किया है तो वह अवश्य जीवित रहेगा, वह मरेगा नहीं। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु अपनी दयालुता याद कर। हे प्रभु अपनी दयालुता याद कर। हे प्रभु तू मुझे अपने मार्ग सिखा, तू मुझे अपने पथ बता, मुझे अपनी सच्चाई के मार्ग पर ले चल और मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर और मुक्तिदाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु अपनी करुणा और दयालुता याद कर, जो अनंत काल से बनी हुई है। तू मेरी जवानी के पाप भुला दे और अपनी भलाई के अनुसार मेरी शुद्धि लेने का कृपा कर। अनुवाक्य। प्रभु भला और न्याय है, वह पापियों को मार्ग पर लाता है, वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पदलितों को अपना मार्ग बताता है। A reading from the letter of St. Paul to the Philippians, chapter 2, verses 1 to 11. If there is any encouragement in Christ, in convenience of love, any participation in the Spirit, any affection and sympathy, complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind. Do nothing from selfishness or conceit, but in humility count others better than yourselves. Let each of you look not only
to his own interest, but also to the interest of others. Have this mind among yourselves, which was in Christ too. Though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a servant, being born in the likeness of men. And being found in human form, he humbled himself and became obedient unto death, even death on a cross. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. The word of the Lord. Thanks be to God. Kindly stand for the gospel acclamation. Was the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Alleluia, 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 alleluia. If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we shall come to him. Alleluia, alleluia. प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 21 पद संख्या 28 से 32 तक। यीशु ने महायाजकों तथा जनता के नेताओं से कहा, आप लोगों का क्या विचार है? किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जाओ आज दाखबारी में काम करो। उसने उत्तर दिया, जी हाँ पिताजी, किंतु वह गया नहीं। पिता ने दूसरे पुत्र के पास जाकर यही कहा। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। किंतु बाद में उसे पश्चाताप हुआ और वह गया। दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, दूसरे ने। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, नाकेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। योहन तुम्हें धार्मिकता का मार्ग दिखाने आया और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु नाकेदारों और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया। यह देखकर तुम्हें बाद में भी पश्चाताप नहीं हुआ और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। यह प्रभु का सुसमाचार है।
My dear brothers and sisters, let me wish all of you who are present here and who are participating in this Mass in your own places a very happy feast of Saint Vincent de Paul. I am indeed honored to be present here this morning to celebrate this feast, which is very dear to many of the people, not only in this parish, not only in this diocese, but all over the world. Because in doing the work that Saint Vincent de Paul did in his lifetime, being a part of it, we are nothing great except following what the Lord Jesus Christ told us. Before we come to a few words on the feast itself, let us see what Mother the Church has to tell us in the readings of today. आज के पाठों में माता कलीसिया हम सबों से क्या कह रही है? The first reading was taken from the prophet Ezekiel, और उसमें Ezekiel लोगों से कहता है जो ईश्वर ने उसके द्वारा कहा था, ईश्वर का शब्द था कि अगर एक व्यक्ति जो एक अच्छा जीवन जीता है परंतु थोड़ा ढीला हो जाता है और इस सही मार्ग से हट जाता है तो वह जरूर अंत में दंडित हो जाएगा, क्योंकि उसने सही मार्ग जानते हुए भी त्याग किया है। अगर और नबी Ezekiel ये भी कहता है कि अगर एक व्यक्ति बुरे मार्ग पर चलता है और ऐसे ही चलता रहता है परंतु जीवन में ऐसे समय उसके जीवन में आता है जब वो पछतावा करता है और पछतावा करके सही मार्ग पर चलना चाहता है, अवश्य ये व्यक्ति ईश्वर उसको पुरस्कृत करेगा क्योंकि उसने पछतावा किया है। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस हमसे कहता है कि प्रभु येसु क्रिस्त जिसके विषय में, जिसकी तैयारी में पूरा पुराना व्यवस्थान लिखा हुआ था, लोगों को ईश्वर ने तैयार किया उस दिन के लिए, उस समय के लिए जब वो ही इस दुनिया में आने वाला था, अपने प्रिय पुत्र को इस दुनिया में भेजा, परंतु एक महान राजा के जैसा नहीं, वो राजा तो था और हमेशा रहेगा, परंतु इस दुनिया में महान बनकर नहीं आया, सबों पर शासन करने नहीं आया, एक दीन मानव बनकर, एक ऐसा व्यक्ति जो पैदा होने के लिए घर भी नहीं था, एक गरीब व्यक्ति बनकर, एक इंसान के द्वारा इस दुनिया में उसने जन्म लिया, हमारे जैसे एक इंसान बन गया,
और फिर हमारे जैसे ही गरीब परिस्थिति में उसने जीवन लोगों के बीच में रोज के समान लोग जो थे वैसे ही रहकर वो निभाया और अंत में वो दीन और गरीब बनकर क्रूस पर मर गया। ऐसा बहुत क्यों यीशु क्रिस्त ने या ईश्वर ने यीशु क्रिस्त को दिया था? उसने क्यों अपने पुत्र से कहा ये रास्ता तुम चलो? ये इसलिए यीशु क्रिस्त ने चुना था क्योंकि वो इस दुनिया में सिर्फ एक कार्य के लिए आया था, जो हमारा स्वभाव, हम जो ईश्वर के अनुरूप बनाए गए थे पाप के कारण, वो ईश्वर का छाप खराब हो गया था। इंसान ईश्वर से दूर चला गया था घमंड के, और घमंड को मारने के लिए सिर्फ नम्रता की जरूरत थी, और यीशु क्रिस्त नम्र बन गया, इतना दीन बन गया कि लोगों ने उसको तुच्छ समझा, कुछ भी नहीं है ये। परंतु ईश्वर ने उसे उठा लिया और जितना नीचे वो अपने आप में आया था दीन बनकर, उतना ही ऊंचा ईश्वर ने उसे स्वर्ग लेकर दाहिनी ओर वहां वो बैठा है। एंड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु हैज वॉक्ड द पाथ ऑफ आवर लाइफ As a humble human being, he has understood what it is to be poor. He has understood what it is to be of service to the poor. And in the gospel of today, we have a man who had two sons, and he tells the elder boy, go into my field and work today. He said, yes, father, but never went. And he tells the younger son, you go into my vineyard and work. And the son straightaway says, I will not go. But afterwards he repented. I have not spoken properly to my father. After all, he asked me to do a service. After all, that service was for our family. He repented and he went and worked. And the people who were listening to this parable, Jesus asked them, who do you think did the wise and the better thing? And they all said, yes, the second son. And then Jesus draws the conclusion to the people. The learned and the clever, the great Pharisees and the learned people of the time, God gave you many things and you did not care for it. But those poor people, the marginalized people, the people whom society rejected, these are the ones who repented and will be the ones who will be rewarded. He mentions two types of people, the publicans, who are the rejected people of Jesus' time,
The prostitutes who were considered nothing, only sinners, he said they will be the first to be rewarded in heaven because they listened to my words and repented, changed their ways. And therefore, they lived the life which they had left for some time through their own behavior and ways, but now realize that that will not get them anywhere, repented, and then they were rewarded. My dear brothers and sisters, this was the state of affairs when many people came on the scene in the world. Jesus' teaching, from the time he started, was accepted by some, rejected by the others. But if we take the saints who followed the path of Jesus, many of them took this path which made them great saints. The path of poverty, the path of helping the poor, the path to be of service to the needy, they are the ones who today the church has declared saints. Not that others are not declared saints who lived a good life, but a good life always goes out to help others. A good life is not in isolation. A life worthy of our calling. If we are as priests, then the life that a priest should live. If we are religious, then the life the religious should live. If we are at home in the family, the life that a family must live. If we are educators, if we are in any positions and powers, we must live that life. A saint is not born just from the sky. A saint lives here, develops himself, and becomes a great person only when mamooli vyakti tha, gareeb paristhiti mein paida hua tha. ज्यादा कुछ उसके परिवार के पास नहीं था, परंतु अपना जो दृष्टिकोण उसने सामने रखा था कि आई विल बिकम अ प्रीस्ट, उसके लिए उसने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद पुरोहित बना बहुत छोटे उम्र में, और उसके मन में एक ही विचार था कि मैं प्रभु येसु क्रिस्त के समान एक पुरोहित बनकर लोगों की सेवा करूंगा। एंड ही वेंट अबाउट हिज वेज, दो सिंपल, वेरी स्मॉल, बट ही बिल्ट अप पीपल हु वर वेटिंग फॉर अ लीडर. There were many people who were on the roads in the time of Saint Vincent de Paul in Paris. There were many people who had nothing to eat. The wars and other calamities had put these people on the roads. And he gathered a band of people, like-minded people, aur un logon ne ek saath milkar गरीबों की सेवा शुरू की. ही फाउंड नो अदर पाथ देन द पाथ ऑफ जीसस क्राइस्ट. येसु क्रिस्त ने भी वो 3 सालों में गरीबों की सेवा पहले की. जो भूखे थे उनको खिलाया, जो बीमार थे उनको उसने शुद्ध किया, जिनके पास कुछ नहीं था उसने उन्हें दे दिया. हर एक तरह से लोगों की सेवा की.
और उनको सिखाया, जैसे मैं जो तुम्हारा स्वामी और मालक तुम्हारे लिए किया, तुम भी ऐसा ही किया करो। सेंट विंसेंट डी पॉल के पास यह सिद्धांत था, जैसे मैंने तुम्हारे लिए किया था वैसे ही तुम भी किया करो, और उसने अपने जीवन में यही कार्य किया। बहुत छोटे रीति से उसने शुरू किया। आज प्रिय भाइयों और बहनों, सारे संसार में लोग छोटे रीति से अपने अपने जगह पे जहां है, विशेष करके अयाजक वर्ग के लोग, ऑर्डिनरी पैरिश पीपल हु आफ्टर दे वर्क गेट सम टाइम विच दे कम टूगेदर एंड से वी विल हेल्प द पुअर इन वॉट एवर वे वी कैन। And this society has flourished all over the world. His advice to his followers were, wherever you find yourself, feed the poor. That is the first thing. You find there are people who are hungry, who have nothing to eat, start soup kitchens, what we call small ways of feeding the poor. The primary work of the Saint Vincent de Paul is to feed the poor, to be of help to the sick, to visit the people who are in need. Let us not, my dear friends, go to do spectacular works. Jesus did not do that. He considered the people, the ordinary people, as his field of ministry. He remembered Jesus's great teaching when he will come in glory. अंत में जब प्रभु येसु क्रिस्त अपने महिमामय वो मंडित होकर इस दुनिया में आएगा, इस दुनिया का न्याय करने आएगा, नाउ ही इज इन ग्लोरी, कोई गरीब व्यक्ति नहीं रहेगा, वो महान राजा अपना मुकुट पहनकर अपने हाथ में क्रूस लेकर न्याय करने के लिए आएगा। एंड वी नो दैट ही विल सेपरेट द गुड फ्रॉम द बैड, अलग अलग करेगा। और जानते हो कौन से प्रश्न उनसे पूछेगा? वो To those who are on his left, those who did not do anything good in this world, iska prashna rahega, I was hungry and you did not give me anything to eat. I was thirsty and you did not give me anything to drink. I was naked and you did not give me anything to wear. I was in prison. You did not come to visit me. And they will feel, when did we not do this, Lord? As long as you did not do it to one of these least brothers and sisters of mine, you did not do it to me. And they will go to eternal damnation. And the reward of the people on the right will be just the same in an opposite way. When I was hungry, you gave me to eat. When I was naked, you clothed me. When I was thirsty, you gave me to drink.
When I was in prison, you came to visit me. My dear brothers and sisters, this is what we have to teach the people today. Our final judgment will be on what we have done in this world. Have we closed ourselves? Or are we like that eldest son? I will go, but he did not go. Say, I will do everything, whatever I can, but never do it. Or like the younger son, no, I will not go. But then realize, after all, the father has asked him because he loves him. And then he goes and does what his father tells. Today, as I speak to you who are assembled here, dedicated people, it's a wonderful thing what you are doing today, sending a message to the whole of everybody who will watch this on the YouTube or wherever it goes. You have taken pains to show to everyone the little work that you all are doing, the good work that you all are doing. My only prayer and wish for you is that be united, continue this work, because this is the right path to our eternal glory. Amen. संकल्प। ये यीशु प्यारे प्रभु, आज मैं अति दीनता पूर्वक आपके निम्न वचनों का स्मरण करते हुए अपने आप को गरीबों की सेवा में अर्पित करता हूँ। मैं भूखा था और तूने मुझे खिलाया। मैं प्यासा था और तूने मुझे पिलाया। मैं बीमार था और तू मुझे देखने आया। मैं गरीब और दुखी था, तूने मुझे सांत्वना दी। हे प्यारे यीशु, तेरी भलाई से विंसेंशन जीवन में प्रवेश करने का जो अवसर मुझे मिला है, उससे मैं बहुत बहुतों के आंसू पोंछ सकूं तथा कष्टों में पड़े दीन दुखियों और जरूरतमंदों को सांत्वना प्रदान कर सकूं। हे प्यारे यीशु, मैं आपके साथ और आपके द्वारा अपने जरूरतमंद और दुख कष्टों से घिरे लोगों को आपकी आध्यात्मिक एवं सांसारिक कृपा दानों को प्रदान करना चाहता हूँ। हे निष्कलंक कुंवारी मरिया, प्यारी माता, मेरे लिए यह कृपा प्राप्त कीजिए कि आपके ईश्वरीय पुत्र
मुझे इस योग्य बना दे कि मैं उनके नाम और प्रेम के आनंद को गरीबों के दिलों तक पहुंचा सकूं। हे संत विंसेंट डी पॉल, मुझे कृपा दिलाइए कि गरीबों के लिए मेरे काम करने में आपकी उदारता, दयादान, सरलता एवं उत्साह की भावनाओं से परिपूर्ण हो जाओ। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हम सब मिलकर हमारे विश्वास की विनती एक साथ बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के एकलौते पुत्र एक ही प्रभु येसु क्रिस्त में, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट किया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया है। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोंका गया। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा और वह गाड़ा गया। वह धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वो पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है, पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, द सन हू इनिशियली हैड सेड नॉट no to his father, but later repents and goes to work in the vineyard, fulfills the will of his father. Those who repent and turn away from sinful ways always find acceptance before God. Let us now place all our intentions before the Lord, saying, Lord, help us to do your will. Lord, help us to do your will. For the Pope, the bishops, the clergy, and the religious, that through the ministry of the word and the sacraments, they may prepare a people fit for God. We pray, Lord, help us to do your will. That Christians may do nothing from selfishness, but in humility, may consider others better than themselves. We pray, Lord, help us to do your will. That we may consider the welfare of others as we pursue our own goals and interests. We pray, Lord, help us to do your will. That as we live our own lives, we may keep the example of Christ, who has humbled himself and became obedient unto death. We pray, Lord, help us to do your will. That the spirit with which the early Christians have lived their lives, when the needs of every person has been taken care by the community
may return to our own parish communities. We pray, Lord, help us to do your will. God our Father, we thank you for the gift of your Son, who through the parable of the two sons lays before us the contrasting behavior patterns, one rebellious and the other humble. Help us to shed any rebellious attitude that we may be within us that prevents us from seeing goodness in others. Give us the grace that we may do what pleases you. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Almighty Father. Grant us, O merciful God, that this our offering may find acceptance with you, and that through it the wellspring of all blessing may be laid open before us, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For we know it belongs to your boundless glory that you came to the aid of mortal beings with your divinity and even fashioned for us a remedy out of mortality itself, that the cause of our downfall might become the means of our salvation through Christ our Lord. Through him the hosts of angels adores your majesty and rejoices in your presence forever. May our voices, we pray, join with theirs in one chorus of exultant praise as we acclaim.
Fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection, you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Elias Gonsalves, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of their resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them to the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, may merit to be coheirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours
forever and ever. At the Savior's command, informed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant a peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. यीशु को स्वीकार करने की प्रार्थना। मेरे यीशु, मैं विश्वास करती हूँ कि आप परम पवित्र संस्कार में उपस्थित है। सब लोगों तथा वस्तुओं से ज़्यादा मैं आपको प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं इस समय आपको संस्कार पूर्वक प्राप्त नहीं कर सकती। मैं आपको अपनी आत्मा में ग्रहण करने की इच्छा रखती हूँ। आप कम से कम आध्यात्मिक रूप से मेरे दिल में आइए। मैं आपका आलिंगन करती हूँ, जैसे कि आप पहले से ही मेरे साथ थे। मैं आपके साथ पूरी तरह से एक होना चाहती हूँ। मुझे कभी भी आपसे अलग ना होने दे। आमीन।
Let us pray. May this heavenly mystery, O Lord, restore us in mind and body, that we may be co-heirs in glory with Christ, to whose suffering we are united whenever we proclaim his death, who lives and reigns forever and ever. आज पूजन पद्धति का 26वां इतवार है। 29 सितंबर को संत माइकल गैब्रियल रफाइल का त्यौहार है और उस दिन हम अपने धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष मोस्ट रेवरेंड लियाज गुंसाल वेस को हम अपनी प्रार्थना में याद करेंगे। उनका ऑर्डिनेशन पुरोहित अभिषेक बिशप की अभिषेक का दिन है और 30 तारीख संत जरम का त्यौहार है। फादर जरम हमारे बीच में है, उनको हम ज़रूर याद करेंगे। अक्टूबर महीना प्रे भाई बनो हम सबों को मालूम है रोज़री माला हम बोलते हैं और मैं आग्रह करता हूँ हर परिवार में रोज़री जारी रहे और इतवार के मिस्सा के पहले हम रोज़री बोलेंगे। तो 7:40 पर हर इतवार के दिन रोज़री बोली जाएगी और उसके बाद मिस्सा 8 शुरू होगा। अक्टूबर महीने के 1 तारीख को संत तेरेसा ऑफ चाइल्ड जीसस का त्यौहार है। 2 तारीख होली गार्डियन एंजल्स ऑल्सो गांधी जयंती। प्रे फॉर ऑल द सिक, सभी जो बीमार हैं हमारे बीच में विशेष रूप से ये महामारी से पीड़ित हैं उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। मैं इस वक्त रेवरेंड फादर जरम हमारे धर्म प्रांत के विकार जनरल द मोस्ट सीनियर प्रीस्ट ऑफ आवर डायसिस उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। वैसे सोसाइटी की तरफ से धन्यवाद बोली जाएगी और साथ ही साथ सभी विंसेंट सेंट विंसेंट डी पॉल की सभी सदस्य जो यहाँ पर प्रतिनिधि जो हैं और सभी लोग इस सबलिदान में भाग ले रहे हैं उन सभी सदस्यों को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस दिन को आप लोगों ने बहुत सुंदर बनाया है और साथ ही साथ उनके द्वारा जो क्वायर बहुत सुंदर क्वायर हमें आज मिला है टोनी एंड टीम को भी हम धन्यवाद देते हैं। अगला इतवार का मिस्सा का संचालन फातिमा प्रेयर ग्रुप के ओर से होगा और साथ ही साथ क्वायर में मदद करने के लिए कॉलिन उनको साथ देंगे और इस प्रकार हर इतवार मैं एक क्वायर टीम का नाम मैं लूँगा। अब मैं अर्जू को यहाँ बुला रहा हूँ, वे धन्यवाद देना चाह रही हैं। A warm and graceful good morning to one and all present here. It's my privilege to propose the vote of thanks and acknowledge the contribution of those who really worked hard to make this day a memorable one. Let me first start by thanking the Almighty God for blessing us with this wonderful day. Secondly, I would like to thank our dear Vicar General, Reverend Father Jerome Pinto, for accepting our invitation and for enlightening us with a wonderful sermon. Thank you, dear Father. I also thank our dear parish priest, Father Sebasti Raj, for his constant support. Thank you, Father. I would also like to thank our dear sacristy, Dhanraj uncle, for always being there in times of need. With a deep sense of appreciation,
I also thank our dear Anthony Bestovich uncle for the amazing choir. Last but not the least, I express my sincere gratitude to our president, Silvano uncle, our youth mentor, Raymond uncle, my support system, Ms. D'Souza, and all my dear fellow Vincentians for being the catalyst that stimulated us to do our best and for standing as pillars of strength. Thank you, one and all. Here's wishing you all a very happy feast of Vincent de Paul. God bless you all. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go and announce the gospel of the Lord. Thanks be to God. Because